जी मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होती तो इस तरह रोती ना कभी भी। मैंने कहा ना अबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं राहिल के बच्चे को। प्लीज अबू ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो जरूर हो जाएगा अगर आप कुछ करेंगे तो। ये आप क्या कर रहे हैं कुद्दूस? लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। भाई ऐसे मामला जोश से नहीं होश से हल होते हैं। लाइए फोन मुझे दीजिए आप। अब तक होश ही का तो मुजाहरा कर रहा हूँ, वरना ये राहिल जिसकी रगों में गंदा खून दौड़ रहा है मैं कभी का बाहर निकाल कर फेंक चुका होता। लाइए अब फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। मैं कहता हूँ मत छेड़ो। अब छोड़े आप, छोड़े आप। ओहो सोच लिया है मैंने रुकिया, सोच लिया है और मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है। कद्दूस अब्बू क्या बोल रहे थे? पता नहीं बेटा, तुम्हें भी समझाया था कि कोई भी ऐसी वैसी बात हुआ करे तो अब्बू से मत कहा करो, मुझे बताया करो। जानते तो हो ना तुम उनका गुस्सा। आप प्लीज अब्बू को समझाएं अम्मी कि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूँ। अरे बेटा अब अगर तुम्हारे आंसू और आवाज सुनकर मेरी हालत गैर हो रही थी तो तुम्हारे अब्बू का ब्लड प्रेशर तो आसमान पर जाना था ना। क्या करूँ अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूँ। बस आपकी आवाज सुनी तो आंसू निकल आए। अच्छा मेरी बच्ची, बस 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 अपने आप को संभाल के रखो बेटा। ठीक है अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे बेटा रानिया बेटा, मगर अम्मी वो जहन को खाना देना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, मैं कल करती हूँ आपसे बात। अरे नहीं नहीं जैन, मैं सही बता रहा हूँ, इस सब कुछ में 1% भी रानिया का कोई कसूर नहीं। यार मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बात को भी समझो कि इस वक्त तुम्हें केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसने मेरी बहुत केयर की, वाकई हर 2 मिनट बाद आके पूछ रही थी खाने पीने का और मुलाजमा भी पूछती रही। अगर मैं सच बताऊं तो तुम लोग मेरा जितना ख्याल कर रहे हो उतना तो मेरे घर वाले भी नहीं करते। अब मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान कोई खटपट हो जाए मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। और फिर ऊपर से तुमने रानिया को डांटा भी, आई डिडंट लाइक इट यार। अरे कमॉन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम इस बात पर इतनी डिप्रेशन नहीं लो, ये मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। वो कहते हैं ना कि इससे प्यार और बढ़ जाता है। हाँ वैसे इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया चंद ही दिनों में कि तुम और रानिया एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो, लेकिन यार तुमने रानिया को डांटा मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मुझे भी एक बात का अंदाजा हो गया कि तुम मेरे मुकाबले में रानिया की साइड ज्यादा ले रहे हो। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे नहीं नहीं मैं तो, और एक बात सच बताऊं राहिल, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है, मेरा भाई है।